हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये जो कंप्लीट मैंने अपना मेकअप लुक है ना, वो कैसे क्रिएट किया है। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट के साथ क्रिएट किया है। अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं और रमजान भी शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना एक ऐसे क्विक सा मेकअप लुक शेयर करती हूँ। मैंने ये ना कुर्ता सेट बाय किया था राज नंदनी का, और बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये, तो फेस्टिव वाला है एकदम। इसका कलर और एम्ब्रॉयडर वगैरह जो हुई है ना सब कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको मुझे पहनना ही था, और मतलब एक ओकेशन है उसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए एक जो मेकअप लुक है ना आपके साथ क्रिएट करती हूँ। ये जो ड्रेस है ना वो कैसी लग रही है कंप्लीट इस लुक के साथ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपना जो हेयर स्टाइल है ना वो ऐसे रखा है, और ये जो मेरी बेसिकली वो है ना शीश पट्टी बोलते हैं ना इसको, उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है हेयर बैंड के तरीके, तो एकदम जो वो फेस्टिव वाला और पार्टी वाला जो लुक है ना वो हेयर स्टाइल में वो एकदम क्रिएट हो जाता है और नो टाइम में क्रिएट होता है। तो चलिए मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने जो मेकअप लुक है ना अपना सिंपल सा वो कैसे क्रिएट किया है। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो है ना वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले मेकअप शुरू करने से पहले मैं लगाने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ल्यूमिनस प्राइमर। ये बहुत अच्छा है, इसमें 3 शेड्स आते हैं आई थिंक, मैंने गोल्डन वाला लिया है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप किसी पार्टी मेकअप में कर रहे हैं तो उसमें अगर आप फाउंडेशन के बेस के नीचे लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर आप ये वैसे भी लगाते हैं ना बिना फाउंडेशन के तो भी आपके फेस पे ना एक बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, इंस्टेंट ग्लो आता है, और कोई भी जो गोल्डन पार्टिकल्स है ना वो आपके फेस पे नहीं रहते हैं। तो बस ये लगाने के बाद ना मैं सिर्फ सीसी क्रीम से अपने डार्क सर्कल्स ही कवर करूंगी। लैक्मे का सीसी क्रीम मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, और क्योंकि डार्क सर्कल्स मुझे थोड़ा सा हैं और आपने देखा भी है नॉर्मल लाइफ में ना, तो अगर मुझे कुछ ऐसे छोटा मोटा सा मेकअप करना होता है तो आई पे ना मैं सिर्फ ये जो सीसी क्रीम है ना वो अप्लाई कर लेती हूँ। तो फेस पे मैंने सीसी क्रीम नहीं लगाई है, बस फेस पे ना मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, और ये कलर बार का कॉम्पैक्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने हर मेकअप में आपको दिखाती ही हूँ। तो बस अपना सीसी क्रीम पे थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि वो क्रैक ना हो और अच्छे से सेट हो जाए, और बहुत हल्का सा अपने जो फेस पे है ना वो लगाऊंगी, और आप देखिएगा जो फेस का शाइन है ना वो मतलब बहुत अच्छा रहता है। ये सिर्फ प्राइमर का ही कमाल है जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, और ये मैं रहने का यूज करती हूँ। इसमें 2 शेड्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली आज ना मैं आपको बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट के साथ ना एक ग्लोई मेकअप दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज करे हैं, और यही सेम जो शेड है ना वो मैं हल्का सा नोज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश लगता है, और सेम मैं आईज पे अप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी काजल, तो जिसके बिना मतलब मेरा जो मेकअप है ना वो अधूरा रहता है, आई गेस मोस्ट ऑफ द लड़कियों का रहता होगा। और ये मैं कलर बार का यूज करती हूँ, और मुझे काफी अच्छी लगती है वाली जो पेंसिल है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम स्मूथ है, और सेम मैं अप्लाई करूंगी आई लिड पर मतलब एज अ आई लाइनर, और ये काफी अच्छा है और स्मज भी नहीं होता है, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और इसके बाद बस मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, और मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का, काफी अच्छा लगता है मुझे ये वाला मस्कारा ना, और आई मेकअप करके जो चेहरे पे ग्लो आता है ना वो मतलब एकदम अलग ही आता है, कुछ और ऐसा लगता है कि यूज करने का जरूरत ही नहीं है, बस आई मेकअप करो और एकदम से ही जो फेस पे ना ग्लो आता है वो मतलब बहुत ही प्यारा होता है। मेरा जो मतलब मेकअप में वन ऑफ फेवरेट काम है आई मेकअप करना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और नेक्स्ट मैं अपनी ब्राउज ठीक करने वाली हूँ, वैसे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है, लेकिन मेकअप करने के बाद ना हल्का सा वाइट वाइट हो जाती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है, और इस पुली की हेल्प से बस इसको मैं मतलब शेप दे दूंगी, उतना ही, बहुत ज़्यादा डार्क मैं नहीं लगाती हूँ, और ब्राउन कलर की जो आई शेडो है ना वो आई पेंसिल है ना वो यूज़ करती हूँ। लिप बाम लगा लिया है, और ये रहने 5-in-1 मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, इसमें बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, तो ये वाला ना मेरे सूट के साथ अच्छा लग रहा था तो मैंने रेड कलर का लगा लिया, और बिंदी लगा के बस अपना जो मेकअप है ना वो मैं फिनिश करूंगी। और
और मैंने हेयर स्टाइल कर लिया, एक्चुअली सिंपल हेयर ओपन किए हैं और हेयर बैंड लगाया है, साथ में शीश पट्टी लगाई है, तो इसी से ना एक बहुत ही अच्छा सा मतलब लुक आ गया। और मैं ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना वो साड़ी के साथ भी करती हूँ। और ये ना एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, यहाँ पे जो जिगजैग वाला हेयर बैंड है ना वो मैंने लगाया है। तो बताइएगा आप लोग कि आपको ये सिंपल सा जो मेकअप लुक है ना वो कैसा लगा है। सभी जो प्रोडक्ट मैंने यूज करे हैं ना सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, कुर्ता सेट का भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही प्यारा है कुर्ता सेट है, एकदम फेस्टिव लुक देता है। जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।